गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने टेलर के प्रिंसिपल्स सारे स्टडी कर लिए थे। अब टेलर की टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आती है। टेलर ने कुछ टेक्निक दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। फर्स्ट आती है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी की टेक्निक में टेलर ने बोला है कि टाइम स्टडी एक टेक्निक है जो डिटरमाइन करती है स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ एवरेज स्किल एंड नॉलेज टू कंप्लीट अ स्टैंडर्ड टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे एक टास्क दिया गया है कि क्लासरूम में पेंट करना है, तो उसे पेंट करने में एक सीट पेंट करनी है, तो एक सीट को पेंट करने में एक वर्कर, जैसे 10 वर्कर हैं, 10 वर्कर हैं हमारे पास, 10 वर्कर 500 सीट्स हैं टोटल, 500 सीट्स को 10 वर्कर करेंगे। 5 दिन का उन्होंने टाइम बनाया कि वो 5 दिन के अंदर सारा वर्क कंप्लीट कर देंगे। 5 दिन के अंदर वो वर्क कंप्लीट कर लेंगे और 10 वर्कर हैं हमारे पास, तो एक स्टैंडर्ड टाइम हो गया। 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे टास्क, स्टैंडर्ड टाइम है। और वर्कर कितने हैं? 10 वर्कर हैं। और एक वर्कर एक सीट को 10 दिन में कर रहा है, 10 सीटें एक वर्कर आराम से पेंट कर रहा है एक दिन के अंदर। तो मतलब यही बताता है टाइम स्टडी का, यही पर्पस है, यही समझाने का कि टू टू डिटरमाइन अ फेयर डे वेजेस। अगर एक वर्कर 10 दिन 10 सीटें एक दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो उन्हें एक फेयर वेजेस दिया जाएगा, उनकी लेबर कॉस्ट दी जाए, उनकी लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करवाई जाए, नंबर ऑफ वर्कर के एम्प्लॉय, कितने नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय करना है, और फ्रेम करा जाए सुटेबल इंसेंटिव स्कीम। अगर कोई इंसेंटिव है तो उसकी इंसेंटिव स्कीम के बारे में बताया जाए। तो टाइम स्टडी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें उसने डिटरमाइन करा है स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कर और स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में टास्क को कंप्लीट करना है। स्टैंडर्ड टाइम लेना है बाय वर्कर के द्वारा। एक वर्कर स्टैंडर्ड टाइम लेगा अपने काम को पूरा करने में, अपनी पूरी स्किल एंड नॉलेज लगाएगा एक टास्क को कंप्लीट होने में। और टाइम स्टडी का मेनली पर्पस जो होता है वो ये पर्पस होता है कि उसे फेयर वेजेस दिए जाएं, उसकी लेबर कॉस्ट डिटरमाइन करी जाए, उसके डिटरमाइन करी जाए नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड और फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव इसके। जैसे कि 200 रुपये पर डे मिल रहे हैं एक वर्कर को काम करने के लिए, और वो 10 सीटें काम 10 सीट्स एक दिन में निकाल रहा है, तो 2000 सीट हो गई। 2000 सीट उसने 200 रुपये एक सीट के लिए मिल रहे हैं और वो 10 सीटें पूरी कर रहा है एक दिन के अंदर, तो 200 × 10 करा तो 2000 रुपये हो गए उसके। और वो 5 दिन में वो काम करेगा तो उसकी लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? जब वो 5 दिन काम करेगा उसकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी 10,000 रुपये। लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपये, क्योंकि 200 रुपये उसे पर डे मिल रहा है एक सीट। कितनी सीट वो 10 दिन के अंदर कर रहा है? 10 सीटें कर रहा है, ठीक है। 200 रुपये मिल रहे हैं उसे एक सीट करने के लिए, एक सीट को कंप्लीट करने के लिए 200 रुपये मिल रहे हैं, और वो कितनी कितनी सीटें कर रहा है? 10 सीटें कर रहा है, तो उसे कितने रुपये मिल गए? 2000 रुपये मिल गए। और वो पूरा टाइम 2000 रुपये मिल गए। अब वो 2000 रुपये और कितने दिन में काम पूरा कर रहा है? 5 दिन के अंदर, तो उसकी कितनी इनकम बन गई? कितनी लेबर कॉस्ट हो गई उसकी? 10,000 रुपये हो गई। 200 रुपये उसे एक दिन का मिल रहा है और 10 सीटें वो 200 दिन के अंदर कर रहा है, तो 2,000 रुपये हो गए। और 5 दिन के अंदर उसने पूरा काम कर दिया, तो 10,000 रुपये की उसकी लेबर कॉस्ट बन गई एक वर्कर की, है ना। तो टोटल लेबर कॉस्ट भी दिख गई उसकी, फेयर वेजेस भी उसके दिख गए, और नंबर ऑफ वर्कर कितने एम्प्लॉयड कर रहे हैं। अगर जैसे हमने 10 एम्प्लॉयड लगवाए हैं तो एक वर्कर की 10,000 हो गई, तो पूरे वर्कर्स की 1,00,000 रुपये हो जाएगी। सुटेबल इंसेंटिव स्कीम भी हो गई, है ना। अगर लेबर्स के ऊपर बात है, क्योंकि एक वर्कर की लेबर कॉस्ट निकल के आई है, हमने किसका? एक वर्कर का निकाला है कि एक वर्कर अगर 200 रुपये ले रहा है, वो 10 सीटें कर रहा है, तो एक तरीके से 10 सीटों के 200 रुपये हो गए। 500 सीटें थी, तो टोटल 500 सीटों को अगर हम देखें तो 500 × 200 करें, क्योंकि 500 एक सीट के अगर 200 रुपये हैं, तो 500 × 200 कितने हो गए? 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये की पूरी क्लासरूम में पेंट की
काम हो जाएगा। अगर एक क्लासरूम में पेंट करवाना चाहें तो 1 लाख रुपए का पूरा एवरेज बजट बैठेगा, क्योंकि एक वर्कर 200 रुपये ले रहा है, 10 सीटें कर रहा है, 2000 रुपये इस तरीके से उसका फेयर वेजेस बन रहे हैं, फेयर डे वेजेस, कि वो दो फेयर डे वेजेस कितने, 200 रुपये ले रहा है, 10 सीटें कर रहा है, मतलब 1 सीट के 200 रुपये। और उसकी लेबर कॉस्ट कैसे बन रही है, 5 दिन के अंदर वो काम निपटा रहा है, तो 2000 रुपये उसके एक दिन के बैठ रहे हैं, 2000 × 5 दिन तो 10000 रुपये, तो टोटल उसकी लेबर कॉस्ट ऐसे बैठी। और नंबर ऑफ वर्कर अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके हिसाब से लेबर कॉस्ट बनेगी, अगर कोई इंसेंटिव दिया तो उसके हिसाब से बनेगी। तो पहली टेक्निक तो है टाइम स्टडी, पता चल गया टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग उसके डिटरमाइन करवाने हैं हमें फेयर डे वेजेस, डिटरमाइन करवानी है लेबर कॉस्ट, डिटरमाइन करवाना है नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, और एक फ्रेम करनी है सुटेबल इंसेंटिव स्कीम। टाइम स्टडी वो स्टडी है जो डिटरमाइन करती है क्या स्टैंडर्ड टाइम को टेकन बाई वर्कर, स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाई वर्कर ऑफ एवरेज स्किल एंड नॉलेज टू कम्प्लीट अ स्टैंडर्ड टास्क। अब इसके बाद आती है टाइम स्टडी के बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक, बताई है टेलर ने। टाइम स्टडी के बाद नेक्स्ट टेक्निक है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के बारे में टेलर ने बोला है कि फटीग स्टडी क्या होती है, फटीग से मतलब क्या होता है, थकान। तो इसी प्रिंसिपल से, इसी वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि फटीग स्टडी में क्या कहा है टेलर ने। टाइम स्टडी हमारे क्लियर है, एक स्टैंडर्ड टाइम देना है वर्कर को काम करने के लिए, जिसमें वो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में वर्क को, टास्क को कंप्लीट कर सके। और फटीग स्टडी जो है, फटीग स्टडी हो गई, टाइम स्टडी हो गई, वर्क स्टडी हो गई, तो ये सारी एक चीज़ के अंदर ही आती है कि जो आपकी वर्क स्टडी होती है ना, एक जगह कहीं कहीं वर्क स्टडी कहते हैं और कहीं कहीं फटीग स्टडी कहते हैं। वर्क स्टडी का ही पार्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी के अंदर टेलर ने बोला है, फटीग स्टडी सीक टू डिटरमाइन द ऑलमोस्ट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कम्प्लीट अ टास्क। जैसे एक टास्क है तो उसे कंप्लीट करने के लिए 200 दिन चाहिए, 200 दिन चाहिए उसे कंप्लीट करने के लिए, तो 200 दिन का काम, 200 दिन चाहिए अगर एक उसमें 3 शिफ्ट हो रही हैं तो 200 दिन लगेंगे, अगर 2 शिफ्ट हो रही हैं तो 400 डेज लगेंगे। अगर 200 दिन एक टास्क है, अगर वो 200 दिन में कंप्लीट हो रहा है और 3 शिफ्ट में हो रहा है, 4 शिफ्ट में हो रहा है तो 200 दिन लग रहे हैं, और अगर वही टास्क 4 दिन में हो रहा है तो 200 दिन लग रहे हैं। क्योंकि ये कहा है फटीग स्टडी सीक टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीट अ टास्क। फटीग स्टडी में ये कहा गया है एक सेट करना है हमें रेस्ट इंटरवल, और एक सेट करना है हमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। एक वर्कर है, एक एक वर्क की प्लेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 3 शिफ्ट लगाई गई है वर्कर की। 1 शिफ्ट वर्क गेट टायर्ड ही कैन अगेन फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट। अगर एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट में एक वर्कर काम कर रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट उसकी नहीं दी जाएगी, थर्ड शिफ्ट दी जाएगी, सेकंड शिफ्ट में उसे इंटरवल दिया जाएगा। पहले शिफ्ट में थोड़े थोड़े से स्मॉल पॉज दिए जाएंगे, थोड़े थोड़े से वो रेस्ट ले सकता है, पहले शिफ्ट के वर्क में भी थोड़ा सा रेस्ट पीरियड रखा जाएगा, 15 मिनट टू 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट उसे एकदम से निकलनी है, सेकंड शिफ्ट में वो पूरा रेस्ट लेगा, थर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसे स्मॉल ब्रेक इसलिए चाहिए जिससे वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश अप कर सके वर्क करने के लिए। तो ये फटीग स्टडी जो है वर्क स्टडी का ही पार्ट होता है फटीग स्टडी। इसमें इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि रेस्ट इंटरवल दिया जाए, फ्रिक्वेंसी रखी जाए रेस्ट इंटरवल के बीच। जैसे 3 शिफ्टें हैं जॉब की, तो 3 शिफ्ट के अंदर पहली शिफ्ट में वर्कर अगर वर्क कर रहा है तो सेकंड शिफ्ट एकदम से नहीं दी जाएगी, थर्ड शिफ्ट में वो वर्क करेगा, सेकंड शिफ्ट में कोई और वर्कर करेगा, और बीच में भी फर्स्ट शिफ्ट में भी थोड़ा थोड़ा सा उसे रेस्ट इंटरवल दिया जाएगा, जिससे वो अपनी जॉब को लॉन्ग टाइम में करने के लिए उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी बनी रहे, थके नहीं वो जल्दी से, फटिग ना हो उसे, उसका जो एक्सपीरियंस होता है मैनेजर, इस एक्सपीरियंस को
जानता है कि कितना ही टाइम पीरियड का इंटरवल देना है, 15 मिनट्स का, जैसे ये वर्क की नेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर बिल्डिंग बनाने का वर्क है, उसमें 3 शिफ्ट लगा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट देना है वर्कर को। अगर हमारा कोई प्रोडक्शन का वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग पैकिंग का वर्क चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रेस्ट देना है वर्कर को। तो ये मैनेजर के ऊपर रहता है, मैनेजर की नेचर के ऊपर। मैनेजर किसके ऊपर वर्क देता है? ये सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर्स अरेंज करते हैं सारे वर्क का। सुपरवाइजर किससे करवाते हैं? एम्प्लॉयज से। तो इसमें ये है कि एक फ्रिक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल, मेनली इस पे फोकस करती है ये टेक्निक, कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल की हो, ड्यूरेशन हो रेस्ट इंटरवल के बीच, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल हो। बस इस टेक्निक में यही है। एक एग्जांपल भी कहा है कि अगर एक वर्कर्स 8 से 6 में काम कर रहा है, तो फटिक स्टडी ये कहती है कि 2 ब्रेक मिलेंगे उसे। 1 बजे मिलेगा 30 मिनट का, फिर 4 बजे मिलेगा उसे 15 मिनट का, 45 मिनट का टोटल ब्रेक होगा। फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 2 घंटे। 45 मिनट का एक ब्रेक मिला और फ्रिक्वेंसी 2 आवर्स, जैसे 8 बजे से उसकी जॉब शुरू हुई है, तो बीच में वही शिफ्ट तो चेंज होनी है, शिफ्ट का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 45 मिनट का अलग ब्रेक भी मिलेगा मिलेगा। अगर पहले शिफ्ट में वो वर्क कर रहा है, तो 1 बजे भी रेस्ट उसे बीच में मिलेगा, और फिर दूसरी शिफ्ट तो वो करेगा नहीं, थर्ड शिफ्ट में जब करता है, तो थर्ड शिफ्ट में भी उसे 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। पहले शिफ्ट में उसे 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, फिर दूसरी शिफ्ट वो करेगा नहीं, थर्ड शिफ्ट में उसे 15 मिनट का फिर से गैप दिया जाएगा। तो 45 मिनट का टोटल हो गया। तो फ्रिक्वेंसी कितनी? टोटल रेस्ट कितने मिले उसे? 2 मिले। और कितना उसे ब्रेक मिले? 45 मिनट का ब्रेक मिला। तो फटिक स्टडी जो है, वो एक वर्क स्टडी का पार्ट है, जिसमें उसे प्रॉपर रेस्ट इंटरवल में डिवाइड किया गया है, कि ड्यूरेशन होना चाहिए प्रॉपर रेस्ट इंटरवल का, और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, और फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल की। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करते हैं मेथड स्टडी, कि मेथड स्टडी क्या होती है। मेथड स्टडी वो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें हम एक अच्छा मेथड, हम बहुत सारी जॉब करते हैं, हमें बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब करते करते, तो उसके बाद हम ट्रायल एंड एरर भी करते हैं, फेल भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं, तो उसके बाद हमें, हम हर जगह काम करते हुए कोई मेथड लेते हैं, तो एक अच्छा मेथड हमें निकालना है जो हमारी जॉब को परफॉर्म करने के लिए अच्छा हो, जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कॉस्ट तो मिनिमम हो, और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी हमारे मिनिमम हो। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मिनिमम हो, प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम हो, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन तो हमारी ज़्यादा हो, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे मिनिमम हो। तो जिसमें ऐसा हो रहा है, तो वो वाला मेथड हमें अप्लाई करना है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। हमें एक बेस्ट मेथड लेना है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें हमारी प्रोडक्शन तो मैक्सिमम हो, लेकिन मिनिमम कॉस्ट हो प्रोडक्शन की, और मिनिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। मिनिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, कहीं वेस्टेज ना हो हमारे रिसोर्सेज। ये मेथड जो है प्रोडक्शन का, वो डिसाइड करता है बाय रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मेथड में होता है ना, जैसे कि ट्राई करो, एरर, हिट एंड रन मेथड, मतलब बार बार ट्राई करो, फिर प्रैक्टिस, फिर उसके बाद एक बेस्ट मेथड लो, तो वही चीज़ की तरह है ये, कि रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो हमें मिनिमम कॉस्ट लगानी है, और रूल ऑफ थंब की तरह। तो इसमें राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट और टू मटेरियल्स टू द फाइनल प्रोडक्ट। अगर फाइनल प्रोडक्ट उसे बनाने के लिए जितना हम अपनी कम कॉस्ट लगा सकते हैं, तो कम कॉस्ट लगाएंगे, कहीं वेस्टेज नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। एक ऐसा मेथड लेंगे जो बहुत क्वालिटेबल होगा, जिसमें कस्टमर सेटिस्फिकेशन ज़्यादा हो रहा होगा। तो फिर यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस एक मेथड एक और क्लियर कर देती हूँ। मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड लेना है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक ऐसा मेथड यूज़ करना है जिसमें हमारा मिनिमम कॉस्ट हो, और मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्सिमम क्वालिटी के प्रोडक्शन हो, और कस्टमर सेटिस्फिकेशन हो,
और ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो रूल ऑफ थंब को भी फोकस करता है कि उसमें जैसे होता था एक बेस्ट मेथड लेना है, तो वही चीज़ है इसमें भी, एक बेस्ट मेथड लेना है, बेस्ट अप्रोच लेना है अपने वर्क को फुलफिल करने के लिए। कंप्लीट होता है यहाँ पे मेथड स्टडी, ये भी वर्क स्टडी का ही पार्ट है मेथड स्टडी। अब उसका ही वर्क स्टडी ही अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वर्क स्टडी का एक प्रिंसिपल टेक्निक है वर्क स्टडी, तो वर्क स्टडी का ही पार्ट है हमारा मेथड स्टडी। और मेथड स्टडी के बाद आता है हमारा फटिक, पहले हमने फटिक स्टडी पढ़ी कि 3 शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट में काम करवाना है, फिर दूसरे में रेस्ट लेना है, थर्ड शिफ्ट में काम करवाना है, बीच में भी दो दो इंटरवल रखना है कि 30 मिनट का भी गैप लेना है फर्स्ट शिफ्ट में भी, और फिर सेकेंड शिफ्ट में तो काम करेगा नहीं, थर्ड शिफ्ट में भी 15 मिनट का रेस्ट देना है। ठीक है, ये तो है ही रेस्ट इंटरवल फर्स्ट में फटिक में। फिर सेकेंड हमने पढ़ी मेथड स्टडी, वर्क स्टडी के जो पार्ट है मेथड स्टडी, उसमें भी हमने ये पढ़ा कि एक बेस्ट मेथड लेना है जॉब के लिए, और एक कस्टमर सेटिस्फिकेशन पर फोकस करना है, मिनिमम कॉस्ट करनी है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। तो ये मेथड स्टडी हो गई हमारी, और उससे टाइम स्टडी एक हमने स्टडी करी थी, ये भी वर्क स्टडी के अंदर ही आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हमने ये स्टडी करा था कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके फेयर वेजेस देने हैं हमें, और उसकी टोटल लेबर कॉस्ट देनी है, नंबर ऑफ वर्कर्स टू भी जितने कर रहे हैं और सुटेबल इंसेंटिव स्कीम देनी है। जैसे एक सीट को काम करने के 200 रुपये लग रहे हैं, तो 10 सीट अगर काम हो रही है तो 2000 रुपये एक वर्कर के बैठ रहे हैं, और 5 दिन में अगर वो काम करेगा तो एक वर्कर की सैलरी कितनी होगी, 10,000 रुपये। अगर हम 10 वर्कर लगाएंगे तो 10 वर्कर की हो जाएगी कितनी, 10,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख। तो टाइम स्टडी हमारी क्लियर हो गई कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड टास्क को उसके फुल स्किल एंड नॉलेज से कंप्लीट करवाना है। फटिक स्टडी में हमारा सेटिंग सेकेंड हमने पढ़ा फटिक स्टडी, फटिक स्टडी में क्या था कि एक इंटरवल देना है 3 शिफ्ट में, और मेथड स्टडी में क्या था, मेथड स्टडी में प्रॉपर मेथड होना चाहिए एक वर्क को कंप्लीट करवाने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए प्रॉपर मेथड अप्लाई करेगा जिससे उसका टास्क कंप्लीट होगा। बेस्ट वे ढूंढना है मेथड का जिसमें मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो तीनों मेथड क्लियर होगा, ये किसके अंदर पार्ट आना है, वर्क स्टडी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टडी करेंगे।